आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। अमेठी में बीजेपी पर राहुल गांधी बोले वो नफरत फैलाते हैं, सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दिल्ली में रोहिणी कोर्ट ब्लास्ट का मास्टरमाइंड निकला साइंटिस्ट, पुलिस का दावा वकील से बदला लेने के लिए रखा बम। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच नवी मुंबई में 16 छात्र कोरोना संक्रमित, कतर से लौट रहे थे एक बच्चे के पिता। एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने हेलीकॉप्टर दुर्घटना पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी निष्पक्ष होगी। नकवी का बिना नाम लिए एसपी सांसदों पर तंज, कहा महिलाओं के सम्मान को लेकर तालिबानी सोच भारत में नहीं चलेगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। खबर काला ढूंढी से है, जहां पर वरिष्ठ कार्यकर्ता तारा दत्त पांडे ने भाजपा के बैनर तले काला ढूंढी विधानसभा से टिकट मांगा है। भाजपा में वरिष्ठता के क्रम में तारा दत्त पांडे का योगदान काफी महत्वपूर्ण रहा है। तारा दत्त पांडे ने कहा कि काला ढूंढी के स्थानीय व्यक्ति को टिकट मिलने से स्थानीय नेतृत्व को बल मिलेगा। मैं 1983 से कार्य कर रहा हूँ, कार्यकर्ता पार्टी का ही हूँ और कोटाबाग कालाढूंगी से भी कभी टिकट पार्टी नहीं मिला। बार बार हमने आग्रह किया है क्योंकि मैंने जमीनी स्तर से कार्य किया है, मेरे हर कार्यकर्ता मेरे साथ हैं और उनका भी एक दबाव है कि आप भी चुनाव लड़ने का भी भविष्य में, और मेरे बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने, लेकिन ये तो खाली मामले से छोटी सी बात है। हमने आप लोगों से कहा, पत्रकार बंधु का मैं आभार प्रकट करता हूँ क्योंकि विकास खंड से कोटाबाग से लेकर हमारे पास यहाँ वोटे हैं और यहाँ का आज तक विधायक नहीं बना। पार्टी किसको टिकट देगी? पार्टी का हमारा, हम पार्टी से निवेदन कर रहे हैं कि पार्टी हमें टिकट दे, हमारे धरातल कार्यकर्ता को टिकट दे, हमारी योग्यता है। हम जन मतलब जब यहाँ पर कोई नहीं होता था तब से हम संगठन खैलीराम सत्य तमाम सारे कार्यकर्ता जब होते, दो तीन लोग हम होते थे, हम उस समय से। कालाढूंढी में विश्व अल्पसंख्यक दिवस के अवसर पर अल्पसंख्यकों के साथ में एक मीटिंग आयोजित हुई। मीटिंग के जरिए अधिकारियों ने जानकारी दी और जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एसआई मोहन नाज अंसारी ने सभी लोगों को संबोधित करते हुए केंद्र व राज्य सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताया गया और अल्पसंख्यक समाज से शिक्षा क्षेत्र में आगे आने की बात कही। अपने सुझाव को लेकर अंसारी ने कहा, सरकार ने अल्पसंख्यकों की उन्नति के लिए बहुत सी स्कीमें दी हैं। इस टेक्नोलॉजी के दौर में सब काम आसान हो गए हैं और घर बैठे सारी मालूमात हासिल की जा सकती है। बैठक में लोगों ने कहा, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को छात्रवृत्ति और रोजगार के लिए जाति प्रमाण पत्र बनाने में समस्या का सामना करना पड़ता है। 2021 को विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर पर श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश अनुसार थाना कालाढूंगी में जन जागरूकता कार्यक्रम किया गया था, जिसमें थाना के समस्त क्षेत्र से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को बुलाकर उनको उनके अधिकारों से अवगत कराया गया। राज्य सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं जो भी हमारी हैं उनसे अवगत कराया जाएगा तथा केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए जो भी कार्यक्रम है, श्रीमान माननीय मोदी प्रधानमंत्री महोदय का 15 सूत्री कार्यक्रम से अवगत कराया गया व उनकी समस्त समस्याओं का जो भी उनके द्वारा बताई गई। लंबे इंतजार के बाद कलियर में पीएचसी के भवन का कलियर विधायक हाजी फुरकान अहमद ने उद्घाटन कर निर्माण कार्य शुरू किया। इसके लिए शासन के 76.43 लाख रुपए पहली किश्त के रूप में बजट जारी कर दिया। थाना निर्माण कार्य की लागत 169.85 लाख रुपए तक बताई गई है। निर्माण को लेकर नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शफकत अली ने पीएचसी भवन निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। विधायक हाजी फुरकान अहमद ने पीएचसी से लोगों की सुविधा मिलेगी। किरान कलियर में बहुत दिनों से मांग थी और जरूरत भी थी क्योंकि यहाँ पर तीर्थ स्थान है, बाहर से भी जारी ना आती है और काफ़ी इलाका बढ़ रहा है, यहाँ पर कोई अस्पताल नहीं था। आज इस अस्पताल वार्ड नंबर 9 में किरान कलियर नगर पंचायत में अस्पताल को उद्घाटन किया, जिससे आने वाले टाइम में हमारे मरीजों को, हमारे लोगों को, क्षेत्र की जनता को, जारी लोगों को इस अस्पताल से बहुत फायदा होगा।
खबर मसूरी से है, जहां पर आरोपी वीरेंद्र कोहली ने अपनी पत्नी पर पेट्रोल डालकर आग लगाने का प्रयास किया है। इस मामले में महिलाओं को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले को गंभीरता से देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। आरोपी को हिरासत में लेकर न्यायालय में भेज दिया गया है। एक किंग रेक का निवासी है वीरेंद्र कोहली नाम का व्यक्ति। इसने अपनी पत्नी के साथ लड़ाई झगड़ा किया और उसके साथ मारपीट की और सूचना मिली कि उसने अपनी पत्नी पर पेट्रोल डाल के आग लगा दी। ये सूचना पुलिस पर आई थी, जिसके आधार पर पुलिस मौके पर गई थी और घायल महिला को, पीड़िता को हॉस्पिटल ले गए थे, जहां डॉक्टर ने बताया कि वो करीब 7 से 8% जली है। उनके चेहरे और हाथ पैरों में चोट के निशान थे, जिसके आधार पर उनके बेटे शिवम कोहली के तहरीर के आधार पर थाने पर धारा 307 और 326 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया है और जो इसमें आरोपी हैं उनको उसके घर से। ऋषिकेश में बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है और ये आयोजन ऋषिकेश बॉडी बिल्डिंग फिटनेस एसोसिएशन की ओर से आयोजित किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ 7 जनवरी को होगा। जहां 2 दिवसीय चलने वाले बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में उत्तराखंड के 13 के 13 जिलों से बॉडी बिल्डर प्रतिभाग करेंगे। वहीं इस प्रतियोगिता में महिला प्रतिभागी भी शामिल होंगी। रेलवे रोड स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता कर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि 7 और 8 जनवरी को भरत मंदिर इंटर कॉलेज के परशुराम हॉल में प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना है, जिसमें पुरुष प्रतिभागियों के साथ साथ महिला प्रतिभागी भी प्रतिभाग करेंगी। हम चौथी बार आयोजित कर रहे हैं, पांचवी बार इसको आयोजित कर रहे हैं। बीच में शायद एक बार कोरोना काल के कारण हमने इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया था और 7 जनवरी को ये प्रतियोगिता होनी है और 7 जनवरी को इसमें पावर लिफ्टिंग होगी और 8 जनवरी को जो बड़ी प्रतियोगिता होती है उसका आयोजन इसमें होना है। और ये परशुराम हॉल, अपना भरत मंदिर का जो परशुराम हॉल है, भरत मंदिर का भी इसमें हमें बड़ा सहयोग मिल रहा है, उसमें ये आयोजित होनी है। और इस बार इतना उत्साह है, अभी से दूर दराज उत्तराखंड से सब लोगों का लगातार इसमें आना बना हुआ है और लगातार हमसे जानकारियां मांगी जा रही हैं। ये प्रतियोगिता 8 जनवरी को भरत मंदिर परशुराम हॉल में निश्चित हुई है और इसका टोटल प्राइज मनी 6 लाख रुपए रखा गया है। महिलाओं, इस बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में महिलाओं की कम उपेक्षा रहती थी, तो हमने इसको महिलाओं को आगे लाने। सितारगंज से महाराणा प्रताप चौराहे पर स्थित एक पेट्रोल पंप कर्मचारियों से मारपीट करने की पूरी घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है। वहीं व्यापार मंडल समेत पंप स्वामी ने कोतवाली पहुंचकर अज्ञात के खिलाफ तहरीर देकर सितारगंज पुलिस से कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बता दें कि मामला बीते 14 दिसंबर का बताया जा रहा है। वहीं अब पेट्रोल पंप कर्मी ने अज्ञात के खिलाफ देकर कार्रवाई करने की मांग की है, साथ ही सितारगंज पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ऐसा क्या था कि 14 तारीख की रात को हमारा पंप अमूमन रात को बंद हो जाता है 9:30 बजे, पर 14 तारीख को हमारा पंप करीब 9 बजे बंद हो गया था क्योंकि हमारे एम्प्लॉई की किसी की शादी का प्रोग्राम था, तो हमने पंप जल्दी बंद कर दिया। तो ये लोग सब वहाँ पे थे नहीं, मेरे 2-3 परिवार वहाँ रहते हैं, तो ये लोग आधे पौन घंटे में वहाँ से शादी से लौट के आ गए और जब ये पंप पे आए तो 10:20 का करीब टाइम था। 10:20 पे 2 लड़के आए मोटरसाइकिल पे पीछे की तरफ, पंप आगे हैं पीछे की तरफ आए। इन्होंने कहा, जैसा मुझे बताया गया, कि उन्होंने पेट्रोल मांगा। हमारे लड़कों ने उनसे रिक्वेस्ट करी कि भाई साहब हमारा पंप बंद हो गया है, आप मेहरबानी करके आगे रिलायंस का खुला है वहाँ से ले लीजिए। तो वो बहस बहसी करने लगे, बोले तुम पेट्रोल भी दोगे और हमें पैसे भी दोगे। तो ऐसे करते करते आपस में इनके धक्का मुक्की हो गई और जैसे ही धक्का मुक्की हुई तो वो लड़के वहाँ से भागे और अपने साथियों को बुला के ले आए। तो 5-7 साथी आए, उन्होंने हमारे इन लड़कों को पीटना शुरू कर दिया। महाराणा प्रताप चौराहे पर स्थित गुरु नानक पेट्रोल पंप पर 14 तारीख की रात्रि 10:30 बजे जो घटनाक्रम हुआ, वहाँ के जो वर्कर थे उन्हें बहुत बुरी तरह से पीटा गया, जो कि घायल अवस्था में यहाँ से सुशीला तिवारी रेफर कर दिया गया था। जब मैं मौके पर जाके उनसे मिला तो मैंने देखा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा दर्दनायक विषय है, जिसको लेकर के 14 तारीख की रात से कल तक कोई भी तहरीर यहाँ पर दर्ज नहीं की गई थी। कल पुलिस के दरोगा जी माननीय
महेश चंद जी शायद हमारे पास आए थे, तो उनके द्वारा वार्तालाप की गई, उसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया। ये मुकदमा इनके गुरु नानक पेट्रोल पंप के वर्करों के खिलाफ भी दर्ज कर लिया जाएगा, जिसके एवज में आज यहाँ पर सारे विकास नगर में इस्कॉन संस्था के सदस्यों ने भजन कीर्तन किया है और इस दौरान प्राचीन शिव मंदिर समिति के अध्यक्ष राजकुमार रोहिला ने नगर कीर्तन कार्यक्रम का उद्देश्य बताया। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज में हिंदुत्व के लिए सब की आस्था बनी रहे, धर्म का प्रचार प्रसार करने में अपना संपूर्ण योगदान दे। वहीं लक्ष्मणपुर गाँव के लोगों ने प्राचीन शिव मंदिर के भजन कीर्तन किया और पूरे क्षेत्र में भ्रमण किया, जिसके बाद मंदिर परिसर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। क्षेत्रवासियों के द्वारा किया गया है भजन कीर्तन, विकास नगर की एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां क्षेत्रवासियों का किया गया है मंत्र मुक्त, जहां शिव भक्तों ने किया है भजन कीर्तन, जहां भ्रमण के बाद भजन कीर्तन किया गया। वहीं लक्ष्मणपुर गांव के लोगों ने प्राचीन शिव मंदिर से भजन कीर्तन किया और पूरे क्षेत्र में भ्रमण किया, जिसके बाद मंदिर परिसर में विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। ओम प्रकाश सिंगल, ये हमारी संस्था इस्कॉन हरे रामा हरे कृष्णा का प्रचार कर रही है और हिंदू संस्कृति को जग जग में हर मानस में फैलाने का एकमात्र उद्देश्य है, जिससे हर हिंदुस्तानी जुड़े और ईश्वर का जो प्राचीन ईश्वर ने हमें संस्कार दिए हैं, हमारे बच्चों में वो संस्कार जाएं, हमारे युवाओं में वो संस्कार जाएं, यही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। आज का प्रोग्राम नगर कीर्तन है, नगर भ्रमण करते हुए मंदिर की तरफ मासिक कीर्तन है, यो कोशिश करेंगे मान लीजिए हर माह यह हो, और उद्देश्य सिर्फ धर्म की तरफ लोगों को जोड़ना कि आए वो सत्संग में भाग लें, भोग प्रसाद ग्रहण करें। से क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो यही है कि सब जुड़े हैं आपस में, एक दूसरे का जब मिलेंगे सुख दुख भी बांटेंगे, पूरे समाज में पता चलेगा कि भाई किस क्या कोई दिक्कत है या कुछ है, तो आपस में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। आज विकास नगर जीवनगढ़ स्थित शर्मा फार्म हाउस में आंगनबाड़ी अभिनंदन सम्मान समारोह हुआ। विकास नगर ब्लॉक की समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने उत्साहवर्धन और कोरोना काल में उनके दिए गए योगदान और सभी केंद्रों में छोटे नानिहालों को बैठने के लिए एक एक दरी भी भेंट की गई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती अभिनंदन समारोह में विधायक विकास नगर मुन्ना सिंह चौहान और ब्लॉक प्रमुख जसविंदर सिंह ने शिरकत की। इस अवसर पर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि हम सभी आंगनबाड़ी वर्कर्स का उत्साहवर्धन कर रहे हैं, जिन्होंने कोरोना काल में कम मानदेय में भी अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं दी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बहुत ही उदारतापूर्वक उनके मानदेय में अपेक्षित वृद्धि की, जिसकी सराहना आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने मुख्यमंत्री एवं प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया है। एक उत्साहवर्धन कर रहे हैं इन सब वर्कर्स का, और कोरोना के काल में अपने आंगनवाड़ी केंद्रों के संचालन के साथ साथ बहुत सारी महत्वपूर्ण और कठिन जिम्मेदारियों का निर्वहन बहुत छोटे मानदेय में इन बहनों ने किया, तो उनके प्रति उनका उत्साहवर्धन के लिए ये अभिनंदन किया जा रहा है। उसके लिए हमने जो एक बहुत मानवीय सेवाएं कर रहे हैं बहुत छोटे बच्चों को, तो आंगनवाड़ी केंद्रों में फर्श पे बैठने वगैरह में भी, तो उस तरीके का भी थोड़ा एक ये हर केंद्र को हम एक ये दरी भी दे रहे हैं, और साथ ही साथ आंगनवाड़ी केंद्रों को साथ ही साथ आप लोगों ने भी एक उत्तराखंड में भाजपा कांग्रेस के साथ ही आम आदमी पार्टी ने चुनावी तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया अल्मोड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने अल्मोड़ा के एडम्स इंटर कॉलेज में आयोजित आपकी चुनावी जनसभा में डिप्टी सीएम सिसोदिया ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने भाजपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा कांग्रेस ने उत्तराखंड को बर्बाद करने का काम किया है और आगामी 2022 चुनाव में आप उत्तराखंड का विकल्प बनेगी। मैं यहां उत्तराखंड में आया हूं और उत्तराखंड की जनता से अपील करने आया हूं कि एक बार आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को भी मौका देके देखिए। आपने कांग्रेस को मौका दिया, धोखा खाया,
बीजेपी को मौका दिया, धोखा खाया, फिर कांग्रेस को मौका दिया, फिर बीजेपी को मौका दिया, हर बार धोखा खाया। ये धोखा देती रहेंगी पार्टियां, ना स्कूलों के लिए कुछ करेंगी, ना अस्पतालों के लिए कुछ करेंगी, ना रोजगार के लिए कुछ करेंगी, ना डेवलपमेंट के लिए कुछ करेंगी, ना महिलाओं के लिए कुछ करेंगी, ना बुजुर्गों के लिए कुछ करेंगी, ये धोखा देती रहेंगी। आप आम आदमी पार्टी को मौका देके। खबर अल्मोड़ा से है, जहां अल्मोड़ा पहुंचे हैं मनीष सिसोदिया, जहां जनसभा को संबोधित किया है। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने भाजपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा कांग्रेस ने उत्तराखंड को बर्बाद करने का काम किया है और आगामी 2022 चुनाव में आप उत्तराखंड का विकल्प बनेगी। मैं यहां उत्तराखंड में आया हूं और उत्तराखंड की जनता से अपील करने आया हूं कि एक बार आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को भी मौका देके देखिए। आपने कांग्रेस को मौका दिया, धोखा खाया, बीजेपी को मौका दिया, धोखा खाया, फिर कांग्रेस को मौका दिया, फिर बीजेपी को मौका दिया, हर बार धोखा खाया। ये धोखा देती रहेंगी पार्टियाँ, ना स्कूलों के लिए कुछ करेंगी, ना अस्पतालों के लिए कुछ करेंगी। सनातन धर्म की रक्षा और संवर्धन के लिए धर्मनगरी हरिद्वार के वेद निकेतन धाम में 3 दिवसीय धर्म संसद शुभारंभ हुआ। जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी की देखरेख में शुरू हुआ। इस धर्म संसद कार्यक्रम में कई संतों और आम लोग शामिल हो रहे हैं। धर्म संसद के तीसरे दिन संसद एक धर्म आदेश जारी किया जाएगा, जो केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। वहीं इस अवसर पर स्वामी आनंद स्वरूप ने कहा कि हिंदू धर्म की रक्षा करना और हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना ही इस धर्म संसद का मुख्य उद्देश्य है और इस धर्म संसद के तीसरे दिन एक धर्म आदेश जारी किया जाएगा। सरकार सेकुलर होती है और सरकार से इस तरह की अपेक्षा करना भी नहीं चाहिए। उसी में से कोई वीर बहादुर निकल जाता है आसाम के मुख्यमंत्री की तरह, जो तत्काल, और यह गौरव है कि ऐसे मुख्यमंत्री हमारे पास हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी कुछ ऐसा करेंगे तो हम लोग उनके साथ खड़े होंगे। हम लोग सबके हैं, हम लोग किसी दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके संपूर्ण हिंदू समाज की रक्षा, संरक्षा और सुरक्षा करना और हिंदू राष्ट्र की संरचना करना, यही इस धर्म संसद का उद्देश्य है। मेरे ख्याल से 3 दिन बाद जब आपको धर्मादेश मिलेगा, मैं महाराज जी से आग्रह करूँगा कि उस धर्मादेश को भी मीडिया के सामने सार्वजनिक किया जाए। एजेंडा केवल एक है, 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनने वाला है। उससे पहले हम अपनी तैयारी कर लें कि हम क्या कर सकते हैं। अगर हम 2029 से पहले कुछ भी नहीं कर पाए तो सनातन के विनाश को फिर कोई नहीं रोक सकेगा। ये बहुत दुखद होगा और ये युवा सन्यासी जो मेरे साथ खड़े हुए हैं, इनके कंधों पर इसका पूरा बोझ है। ये लोग धर्म संसद कर रहे हैं, मैं तो केवल यहाँ पे कैटलिस्ट के रूप में हूँ। चंपावत जिले में बनबसा में भारत नेपाल सीमा पर एक बार फिर से कोरोना बम फूटा है। यहां नेपाल से आ रहे 25 लोग एक ही दिन में संक्रमित पाए गए। खास बात यह है कि इनमें भारत नेपाल मैत्री बस सेवा में सवार 14 यात्री भी संक्रमित हैं। एक साथ कोरोना के कितने मामले सामने आने पर प्रशासन ने मैत्री बसों को नेपाल वापस लौटा दिया है। 6 बसों में नेपाल से आए लोगों की जाँच भी की गई। भारत नेपाल सीमा खुलने के बाद देश में कोरोना का खतरा बढ़ गया है और करीब एक महीने पहले ही दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सामान्य आवाजाही शुरू हुई थी। भारत नेपाल सीमा के बनबसा पोस्ट पे कल काफी लोग जो नेपाल से भारत में आ रहे थे वो कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। इसमें कई वो लोग भी शामिल हैं जो मैत्री सेवा के थ्रू इंडिया में आ रहे थे। हमारे द्वारा वहाँ पे पूर्व में ही कोविड चेकिंग करी जा रही है, जिसमें कि ये लोग पकड़े गए हैं। ऐसे लोग जो कि कोविड पॉजिटिव आए उनको हमने वापस भेजा है, कुछ बसें भी हमने वापस करी हैं और हम लोगों ने अभी चेकिंग और जो हमारी सैम्पलिंग है उसे और बढ़ाया है, ताकि यदि और भी कोई इस तरीके के पॉजिटिव लोग आते हैं तो उनकी जांच हो सके और ऐसे लोगों को चिन्हित करके। धनौरी में एक बड़ी दुर्घटना होने से टल गई, जहां एक कार तेज गति से धनौरी भगवानपुर मार्ग पर जैसे ही धनौरी ओबीसी बैंक तिराहे पर पहुंची, उसी समय दूसरी ओर से आ रहे ट्रक से घूम पर जा टकराई, जिससे कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। ट्रक की धीमी रफ्तार और घूम के कारण कार चालक की जान बच गई। पुलिस और ग्रामीणों ने जब कार चालक को कार से बाहर निकाला तो वह नशे की हालत में पाया गया। उत्तराखंड में
मौसम के करवट बदलने के साथ ही कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। बद्रीनाथ केदारनाथ समेत अन्य चोटियों में हिमपात हो रहा है और मैदानों में सर्द हवाएं दुश्वारियां बढ़ा रही हैं। मसूरी में तापमान -1 डिग्री पर पहुंच गया है और मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 3 दिन शीतलहर चलने की आशंका जताई है। इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। बच्चों और बुजुर्गों के प्रति विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। उत्तराखंड की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।